यह है रियाज एप्लीकेशन, इसके थ्रू आप घर बैठे संगीत सीख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और घर बैठे कंप्लीट कोर्स सीखिए संगीत का और सिंगिंग का, ठीक है। और अगर आपको इसका प्रीमियम परचेस करना है तो कूपन कोड यूज़ कीजिए रियाज KA10 10% ऑफ के लिए। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सुपर हिट काली माता अंबे माँ की आरती, अंबे तू है जगदम्बे काली, ठीक है। तो काफ़ी ही प्यारी और काफ़ी ही सुपर हिट आरती है, तो होप हम इस वीडियो में इस आरती को सीख सके बजाना, कि किस प्रकार से आप इसको अपने कीबोर्ड के ऊपर प्ले कर सकते हो। तो नवरात्रि का मौका है दोस्तों, ज़रूर इसको सीखिएगा और प्ले कीजिएगा अपने पियानो हारमोनियम अपने मोबाइल पियानो के ऊपर इस प्यारी सी आरती को। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा क्विक वीडियो रहेगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ दो ही लाइनें हमें सीखनी है। सबसे पहले इसके मुखड़े की लाइन और फिर अंतरे की लाइन, फिर जैसे बाकी की आरतियों में होता है सभी चीज़ रिपीट होती चली जाएंगी, इसलिए हमें सिर्फ दो ही मेलोडी सीखनी है, ठीक है। शुरू करते हैं आरती की जो पहली लाइन है वो किस प्रकार से, ठीक है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, फिर जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो इस चारों लाइन में सिर्फ हमें 1 2 3 4 इन चार ही की का यूज करना है दोस्तों, इसलिए सबसे आसान बात हमारी ये है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 इन चार ही का हमें इसमें यूज करना है। ओरिजिनल स्केल है, इसलिए आप जब भी YouTube पे सर्च करोगे अंबे तू है जगदम्बे काली, तो उस ओरिजिनल गाने के साथ आप इसको जैमिंग करके मिला सकते हो और साथ साथ में बजा सकते हो, जिससे आपका एक टाइमिंग का भी आपको एक ख्याल आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वन फिंगर से, मैं आपको बताता हूँ, होप आप एक बार में देखते ही इसको बजा सके, ठीक है। तो पहली लाइन फिर से एक बार, अंबे तू है जगदम्बे काली, 1 2 3 पहली लाइन में सिर्फ तीन ही की का यूज। फिर से देखते हैं अलग अलग पार्ट में, तीनों को साथ में मिलाएंगे, बेहतरीन दोस्तों। अब एक बार फिर से हम जो अगली लाइन है उसके ऊपर स्विच होते हैं। अगली लाइन है जय दुर्गे खप्पर वाली, किस प्रकार से, सेम टू सेम, ठीक है, डिटो। किस प्रकार से, फिर से ठीक है। अब पहले लाइन में दोनों, दूसरी लाइन दोनों को साथ में बजाएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब जब हम तीसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी लाइन है हमारी तेरे ही गुण गाए भारती, किस प्रकार से, तेरे ही गुण गाए भारती। मुझे पता है मैं बहुत ही गंदा गा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, हमें एक आइडिया आता है जब हम साथ साथ में गाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप भी साथ साथ में गा के बजाने की कोशिश करना, जिससे आपको आपको कहीं पे गलती होगी ना तो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे मेरी गलती हो रही है, ठीक है। तो जैसा भी हो टूटा फूटा साथ साथ में गुनगुनाना, साथ साथ में गाना। तो तीसरे लाइन हमारी तेरे ही गुण गाए भारती, तेरे ही गुण गाए भारती, ठीक है। फिर चौथी लाइन हमारी मुखड़े की लास्ट लाइन, ठीक है, किस प्रकार से, ओ मैया हम सब उतारे
ठीक है, स्लो में देखते हैं अलग अलग पार्ट करके। पूरा पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, पूरे को एक बार फिर से साथ में बजा लेते हैं, ठीक है। जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो या जब भी आप किसी के साथ में बजा रहे हो तो इसको आप दो बार बजा सकते हो। मैं ट्यून यूज़ कर रहा था फ्लूट, और जो मेरी जो रिदम है वो है भजन, और जो टेम्पो है वो है 90 का, ठीक है। तो ये है, और अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतरे की तरफ। इसमें अंतरे जैसे सभी आरतियाँ में होता है, छोटा सा एक अंतरा है, और उसी अंतरे को हम बार बार रिपीट करेंगे। बार बार मीन्स कई बार, जब तक हमारी आरती समाप्त ना हो जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अंतरे से पहले एक छोटा सा म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक है मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ, फिर आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दे देता हूँ। काफ़ी छोटा सा म्यूज़िक है, ठीक है, जो हमें दूसरे अंतरे की तरफ ले जाता है। इस प्रकार से म्यूजिक है, जैसे यहाँ पे एंड होता है फिर हमारे अंतरे की शुरुआत हो जाती है कुछ इस प्रकार से। इतना ही सिर्फ अलग है, देन वापस हम हमारे पहले वाली लाइन में स्विच हो जाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में सीखे थे। सेम उसी प्रकार से, तो पहले म्यूजिक का ट्यूटोरियल मैं आपको दे देता हूं एकदम स्लो में। तो किस प्रकार से, पहला भाग, म्यूजिक का दूसरा पार्ट, फिर 1 2 3 4, इसके बाद में हमारे अंतर की शुरुआत। अंतर की लाइन देखते हैं किस प्रकार से, ठीक है। जो हमारे अंतर के जो शब्द है, लिरिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूं। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, फिर भीड़ पड़ी है भारी, ये लाइन रिपीट होती है, आपने आरतियों में सुना होगा। तो किस प्रकार से, फिर दूसरा भाग, फिर रिपीट होगी सेम चीज, भीड़ पड़ी है भारी, कैसे, फिर पूरी लाइन पे, ठीक है। सबसे पहले आप एक एक पार्ट को सीखिए, देन सबको कंबाइन करके एक साथ बजाइए, ठीक है। इसके बाद में अगली जो लाइन है वो सेम, जैसे मैंने आपको बताया, सेम इसी प्रकार से, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सेम इसी प्रकार से प्ले होगी, जो हमने प्ले किया ना, तेरे भक्त जनों पर मैया, अब जो अगली लाइन है, सौ सौ सिंहों से है बलशाली, है दस भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ये हमारी सेम टू सेम प्ले होगी। अंबे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, उसी प्रकार की मेलोडी में प्ले होगी। आप देख सकते हो खाली जो इसमें लिरिक्स हैं खाली वो ही चेंज है, बाकी जो बजाने का तरीका है सेम टू सेम रहेगा। इसी प्रकार से जो हमारी आरती होती है अंबे तू है जगदम्बे काली, वो कंप्लीट होती है। तो जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में सवाल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके मन में कोई भी और कोई गाना या भजन है तो वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर आप ये वीडियो नवरात्रि के बाद देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, सीखिए इस प्यारी सी आरती को और सुनाइए अपने
परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, और हो जाइए एकदम संगीत में, भक्ति में। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट मेरे वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नए हैं तो। और ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, टेक केयर।